हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आईज़ ड्राइंग दिखा रही हूँ। थ्री टाइप्स के आईज़ मैंने दिखाए यहाँ पे, थ्री एंगल्स के। तो आप देखो पूरे वीडियो को, और थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी गाइस। तो आप देख सकते हो कि मैंने शुरुआत में बेसिक इसका प्रोपोर्शन ले लिया है, और उसके अकॉर्डिंग मैं अभी ड्राइंग कर रही हूँ। और थोड़ा लाइट ही रखो ड्राइंग को शुरुआत में, एंड देन आपकी जब ड्राइंग प्रॉपर आ जाएगी फिर आप उसको धीरे धीरे शार्प कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 6B लिया है इसके शेडिंग करने के लिए। तो आप जो हाइलाइट्स पार्ट है उसको आप स्टार्टिंग में ही छोड़ दो, और फिर आप उसको शेड करते रहो जैसे आपके आईज़ के शेडिंग रहेंगी। हाइलाइट्स को पहले से ही छोड़ने से वो काफ़ी अच्छा दिखता है, क्योंकि पेपर वाइट और ऊपर से वाइट वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। गाइज, वीडियो को मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट मोड पे नहीं रखा है, क्योंकि मुझे डिटेल्स में दिखाना था आपको कि मैं कैसे बनाती हूँ, एक बिगिनर को कैसा करना चाहिए प्रॉपरली। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि आईज़ ड्राइंग में काफ़ी मिस्टेक्स होती है, तो मुझे ये सही लगा कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट मोड पे ना दिखाऊँ, थोड़ा धीरे धीरे दिखाऊँ, आपको भी समझ में आ जाए। ये भी मैंने 6B ही यूज़ किया है, बट उसे थोड़ा सा लाइट यूज़ किया है। जहाँ पे लाइट की ज़रूरत है वहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट हैंड के साथ ही यूज़ करो आप। अभी आईब्रोज़ के लिए यहाँ पे थोड़ा सा डार्क की ज़रूरत है, ज़्यादा लाइट करके कुछ फ़ायदा तो है नहीं, तो आप डार्क कर सकते हो। जहाँ पे आपको डार्क की ज़रूरत है वहाँ पे आप डार्क करो, और जहाँ पे लाइट है तो वहाँ पे लाइट कर लो। देन उसे स्मज भी करना इम्पॉर्टेंट है अगर आपको सॉफ्ट लुक चाहिए तो। लाइट टोन देने के लिए मैं यहाँ पे क्ले इरेजर यूज़ कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं देना है तो इसलिए मैं क्ले इरेजर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। तो जहाँ पे मुझे ज़्यादा हाईलाइट चाहिए तो वहाँ पे मैं अलग वाला इरेजर यूज़ करूँगी। आईलैशेस ड्राइंग करने में बहुत लोग मिस्टेक्स करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा शार्प दिखा देते हैं, एंड एंड ऑफ द ड्राइंग वो बहुत ही अजीब दिखता है, बहुत ही ख़राब दिखता है। तो आप देख लो कि कैसे देना चाहिए। एक स्ट्रोक्स रहना चाहिए प्रॉपर, और थोड़ा सा सॉफ्ट रहना चाहिए जो उसका टॉप पार्ट रहेगा। जो लोअर आईलैशेस होता है वो थोड़ा सा छोटा ही रहता है कंपेयर टू अपर लैशेस, तो आप इससे थोड़ा सा छोटा ही बनाओ, एंड इसको भी अच्छे से ड्रॉ करो पहले लाइट पेंसिल से, एंड धीरे धीरे डार्क बढ़ाओ। ये थोड़ा सा कम डार्क रहता है कंपेयर टू अपर आईलैशेस, तो वो देख लो आप कैसे देना चाहिए। आईब्राउज में भी आप पहले 6B से ही छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगा लो, और फिर उसके बाद धीरे धीरे डार्क बढ़ा दो उसमें भी। अभी फाइनल टचअप दे रही हूँ हाईलाइट से, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट है तो वही एक फाइनल टचअप दे रही हूँ। अभी मैं सेकेंड आईज ड्रॉ कर रही हूँ, तो आप देखो मैं बहुत बेसिक टेक्निक से ही ड्रॉ करती हूँ। तो
अगर आप इस टाइप से ड्राइंग करोगे तो आपकी प्रोपोर्शन गलत होने का चांसेस बहुत ही कम रह जाएगा। जैसे हमने फर्स्ट वाली आईज़ ड्रॉ किया है वैसे ही इसको भी शेडिंग वैसे ही करना है, कुछ अलग तो है नहीं, सिर्फ इसका प्रोपोर्शन अलग है, इसका एंगल अलग है, वही एक डिफरेंस है। तो इसमें हाइलाइट्स वगैरह भी अलग जगह पे आएंगे और इसके जो भी स्ट्रोक्स रहेगा आईलैशेस के वो भी थोड़ा सा अलग रहेगा। गाइस वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करो और थोड़ा ध्यान से देखो कैसे मैं कर रही हूँ, तो आप भी सीख जाओगे रियलिस्टिक ड्राइंग करना। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है रियलिस्टिक आइज़ ड्राइंग करना, तो आप देख सकते हो कि मैंने बहुत ही इजी टेक्निक से आपको बताया है, कुछ भी हार्ड वाला कुछ भी नहीं बताया है इसमें। आईज़ की लोअर लाइन को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, उसे आप लाइट ही छोड़ दो। अगर किसी ने मेकअप वेयर किया है, स्पेशली कुछ काजल वगैरह लगाया है, तो आप वहाँ पे आप डार्क कर सकते हो। अदरवाइज जो हमारा नेचुरल आईज़ रहता है उसकी लोअर लाइन काफ़ी लाइट रहता है कंपेयर टू अपर लाइन। गाइज़ वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करो गाइज, क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन बेल प्रेस नहीं किया है और जिस वजह से उनके पास नोटिफिकेशन ही नहीं पहुंचती है जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो आप देख लो कि आपने नोटिफिकेशन बेल प्रेस किया है कि नहीं। अभी हर आईज के आईलैशेस बिग होंगे ऐसा तो नहीं है, किसी किसी के छोटे भी होते हैं, तो आप ये सारी चीज़ें आपको फ़ोटो से ही ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। गाइस आईब्राउज में ऐसे स्ट्रोक्स रहने दो तो वो थोड़ा सा नेचुरल दिखता है एंड जो सामने के पार्ट्स रहता है आईब्राउज के वो थोड़ा सा लाइट ही रहता है, वो कभी भी डार्क मत करो, वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक दिखता है। डार्क करना है तो आप मिडिल पार्ट को डार्क कर सकते हो, तो थोड़ा सा नेचुरल दिखता है आईब्राउज।
गाइस ये वाले आइज़ की वाटर लाइन देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये थोड़ा सा स्मोकी आइज़ का लुक है। काजल वेयर किया है बहुत ज़्यादा, तो आपको इस वाले कैरेक्टर में ये तो डालना ही होगा, अदरवाइज़ लुक नहीं ला पाओगे। तो ये लैंडमार्क रहता है, जो भी कैरेक्टर रहता है उसमें आप पहले लैंडमार्क देख लो कि क्या क्या आप दे सकते हो। तो इसका काजल वाला लुक डालना इम्पॉर्टेंट था यहाँ पे, अगर हम लाइट कर दें तो वो कैरेक्टर हम बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाते। जिनके आईज़ बहुत बिग होती है उनको ये वाली लाइन ज़रूर दिखती है आईज़ में, तो आप ये भी नोटिस किया करो कि इसकी ये वाली लाइन नीचे की थोड़ी सी वाटर लाइन ज़्यादा वाइट दिखता है, तो आप ये भी देख लो। स्पेशली ये मेकअप वाले लुक में दिख जाता है। गाइस मैं मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप इसे प्रैक्टिस करो या फिर आप आपके हिसाब से जो भी एंगल्स पसंद है आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करोगे तो ही आप बहुत अच्छे से ड्राइंग कर पाओगे। तो चलो मिलती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, बाय।